are watching BNS News. वेलकम टू टुडेस क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। पॉलीगन ने अपने नेटवर्क पर प्रोजेक्ट्स को नर्चर करने के लिए 35 मिलियन मैटिक कमिट किया। यूएस गवर्नमेंट ने $1 मिलियन पिग बर्चरिंग स्कैम्स के बाद बाइनेंस पर हेल्ड यूएसडीटी का चेस किया। टेथर इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक्सपैंडेड विद मोर देन $1 बिलियन। लार्जेस्ट बैंक इन ब्राजील इटाओ यूनिबैंको ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सब यूजर्स के लिए ओपन की। SEC के AI स्टार्टअप फाउंडर्स एलिट राज $21 मिलियन इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करने के लिए चार्ज किया। मल्टीवर्स एक्स ने लेयर 2 ट्रांजेक्शन स्पीड को सॉवरेन चेन्स के साथ बूस्ट किया। ओसिस प्रो ने RNS पार्टनर्स के साथ मिलकर RNS अवलांच इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अनवील किया। बिटवाला और कर्व ने डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेशन के लिए पार्टनरशिप अनाउंस की। लेजिबल्स ने टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए टैक्स रिपोर्टिंग लॉन्च किया। ZK Sync एयरड्रॉप साइबर अटैक्स और ineligibility cases के लिए अंडर फायर है। चिलीज और socios.com फैन टोकन होल्डर्स के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस। पॉलीगन ने अपने कम्युनिटी ग्रांट्स प्रोग्राम्स का सीजन 01 अनवील किया है ताकि पॉलीगन और इथेरियम इकोसिस्टम्स में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का बॉल्स्टर किया जा सके। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जो crypto.news के साथ शेयर की गई, जून 11 में शुरू होते हुए प्रोजेक्ट डेवलपर्स को 35 मिलियन मैटिक एलोकेट करेगा जो पॉलीगन पर काम कर रहे हैं। US ने ऑलमोस्ट $2 लाख वर्थ को टेथर का बाइनेंस पर हेल्ड होने के अगेंस्ट एक फोर फीचर्स कंप्लेन लॉन्च किया है जो बिग बर्चरिंग स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा चुरा लिए हैं। यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में आर्डोनियोज ने डिटेल किया कि टेथर इन्वेस्टमेंट्स, जिसके 15 एम्प्लॉयज का ग्रोइंग टीम है, हर महीने हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, प्राइमरली स्टार्टअप्स से सोर्स्ड। पिछले 2 सालों में टेथर ने अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं हाई पोटेंशियल सेक्टर्स। इटाओ यूनिबैंको ब्राजील और लैटम का लार्जेस्ट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज सब यूजर्स के लिए अवेलेबल होने का रिपोर्ट किया। आयोन बैंक के इन हाउस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स बिटकॉइंस और ईथर परचेज कर सकते हैं, जो फीचर पहले सिलेक्टेड यूजर्स के लिए अवेलेबल था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एलिट राज CEO और फाउंडर्स ऑफ द इनसॉल्वेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्रूटमेंट फर्म्स जूंकू के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल किया। कंप्लेंट जो US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में फाइल हुई। राज पर इन्वेस्टर्स को फर्म की फाइनेंशियल स्टेटस और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में डिफ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाती है, जो $21 मिलियन से ज़्यादा का फ्रॉड है। मल्टीवर्स एक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्टिंग लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की ट्रांजेक्शंस थ्रूपुट अप टू 100 times एनहांस कर सकता है। सिग्निफिकेंट स्केलेबिलिटी बूस्ट मल्टीवर्स एक्स को रिसेंटली इंट्रोड्यूस सॉवरेन चेन्स के थ्रू इनेबल होती है, जो एक ब्लॉकचेन एज अ सर्विस सॉल्यूशंस जो कि एक्सेप्टिंग L2s को मल्टीवर्स एक्स की स्केलेबिलिटी इनहेरिट करने की सुविधा देते हैं। ओसिस प्रो जो ग्लोबल फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर द रियल वर्ल्ड एसेट्स और डिजिटल सिक्योरिटीज का प्रोवाइडर है, ने राइज एंड शाइन पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि RNS अवलांच इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया जा सके। राइज एंड शाइन पार्टनर्स फंड के मैनेजर का पर्पस यह है कि फंड एज इन्वेस्टमेंट्स फंड बनाना है। ये अवलांची के इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और एप्लीकेशंस को डायरेक्ट स्टेकिंग प्रोवाइड करके इस ग्रोथ को अचीव करने में मदद करेगा। बिटवाला एक ब्लॉकचेन बैंकिंग सर्विस बेस्ड इन बर्लिन ने कर्व एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का एम बिटवाला के सर्विसेज को कर्व के डिजिटल वॉलेट के साथ इंटीग्रेट करना है। यूजर्स बिटवाला को अपने कर्व वॉलेट में ऐड कर सकते हैं और अपने परचेजेस पर 30 days के लिए 1% कैशबैक ऑफर अवेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।